चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो 8 GB रैम वाले स्मार्टफोन्स ढूंढ रहे हो, वो भी अंडर 35, बड़े चालाक हो गए हो। सो आई एम कडिंग यहाँ पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम से कम बजट में अंडर 35 के में जो स्मार्टफोन्स आ जाते हैं 8 GB रैम के साथ, उन्हीं स्मार्टफोन्स को लेकर बात करेंगे। अब ये मत बोलना कि हमें स्मार्टफोन के बारे में पहले पता था, ये कॉमेंट मत करना मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने जो है 4 से 5 स्मार्टफोन्स जो हैं उनको इकट्ठा किया, जिसमें मैं आपको बता सकूँ अंडर 35 के ये स्मार्टफोन्स अंडर 35 के आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 8 GB रैम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को दबाओ, क्या सोच रहे हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले दोस्तों हम जिस डिवाइस को लेकर बात करेंगे वो है रियलमी की तरफ से। रियलमी 7i बहुत जल्द आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और आई थिंक 36,000 रुपये इसका बजट रखा गया है। अंडर 35 आपको देखने को मिल जाएगा, 34,000 रुपये के बजट में आप इसको जो है पाकिस्तानी मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में परचेज कर सकते हैं। इस डिवाइस की दोस्तों 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है, और यहाँ पर इस डिवाइस में आपको 64 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो इसमें 64 MP का कैमरा आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको मैं जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेलिंग के साथ बताऊंगा कि यह 64 MP कैमरा कैसे दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 720 के पिक्सल्स हैं, जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कम बजट में 8 GB रैम आपको देखने को मिल रही है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको जो है 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन 662 का आपको चिपसेट इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अच्छा डिवाइस है, कम बजट में आपको 8 GB रैम प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने डिसाइड करना है कि आप इसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। सो गाइस, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। तो जो नेक्स्ट डिवाइस है वो टेक्नो की तरफ से, टेक्नो कैमन 16। ये मत बोलना कि हमें पता था इस डिवाइस के बारे में, ये भी आपको जो है 36,000 रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा, और ऑफलाइन मार्केट में 34-35 तक भी मिलता है। इस डिवाइस की दोस्तों 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है, और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। मीडियाटेक G90 का चिपसेट है, गेमिंग बेस्ड स्मार्टफोन है, 48 MP का कैमरा है, फास्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छा है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है। तो जिस डिवाइस का चिपसेट है मीडियाटेक जी नाइन्टी टी जो चिपसेट है, गेमिंग बेस्ड चिपसेट है, तो स्मार्टफोन भी जो है गेमिंग बेस्ड स्मार्टफोन है। सो गाइस, ये डिवाइस भी जो है आपको 8 GB रैम प्रोवाइड करता है अंडर 35K के बजट में, और आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिवाइस है गेमिंग के लिए, बहुत से लोगों ने इस डिवाइस की जो है तारीफ की है, तो मैं खुद भी ये समझता हूँ कि ये डिवाइस अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। और हाँ, यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, कम बजट में 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आ जाते हैं आज के हम अपने तीसरे डिवाइस की तरफ, जो कि 8 GB रैम आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी इतने कम बजट में। तो मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 7 की। अभी मैंने रियलमी 7i का बोला ना, रियलमी 7 भी है, जो कि गेमिंग बेस्ड स्मार्टफोन है, जो कि आपको मीडियाटेक का G90T प्रोवाइड करेगा। इस स्मार्टफोन को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर 2 रैम वेरिएंट है, एक 6 GB रैम वाला और एक 8 GB रैम वाला वेरिएंट है। और यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस में आपको जो है 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान में आपको कौन सा देखने को मिलेगा ये अभी कन्फर्म नहीं है। ये स्मार्टफोन जल्द ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, 64 MP का कैमरा है, और IPS पैनल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 6 GB रैम भी देखने को मिल सकती है। आपको पहले भी बताया, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पर बेसिकली है 2 वेरिएंट, एक 6 GB रैम वाला और एक 8 GB रैम वाला। सो गाइस, इस डिवाइस की प्राइस क्या होने वाली है? 37,000 रुपये के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, 37 से 38,000 रुपये के बजट में 35,000 तक ये डिवाइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकता है। 35 से 36 भी हो सकते हैं, ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वो पत्थर पर लकीर हो गया। तो जैसे एक आइडिया मैंने आपको बताया कि 35 से 36 तक भी हो सकता है ये डिवाइस। आ जाते हैं हम अपने चौथे डिवाइस की तरफ, और मेरा फेवरेट डिवाइस है जी गाइस, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स 08i की। फिर मत बोलना कि हमें ये पता था इस डिवाइस के बारे में, ये मत बोलना, मैं बता दूं, ये कमेंट किसी ने भी नहीं करना कि हमें इस डिवाइस के बारे में पता था। भाई पता नहीं था तुम लोगों को, तभी तुम लोगों ने ये वीडियो देखी। सो गाइस, आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर भी जो है आपको 8 GB रैम एंड 128 GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का फीचर है, सेम टू सेम टेक्नो कैमन 16 जैसी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है। मीडियाटेक का G90T चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और एक गेमिंग बेस्ड स्मार्टफोन है, और 48 MP का कैमरा है इस डिवाइस का, और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इन्फिनिक्स का 08i जो डिवाइस है काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है, और एक इंटरनेशनल मार्केट में भी इस डिवाइस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। सो गाइस, यहाँ पर भी आपको जो है 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 180Hz का आई थिंक यहाँ पर टच रेट आपको देखने को मिल जाएगा।
आ जाते हैं हम अपने पांचवें अपकमिंग डिवाइस की तरफ। सो गाइस आ जाते हैं हम अपने आज के पांचवें डिवाइस की तरफ। तो पांचवा जो डिवाइस अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में, ओप्पो F17। बेसिकली इस डिवाइस का बजट 40,000 रुपये है। अगर मैं होलसेल प्राइस की बात करूँ ऑफलाइन मार्केट में 37,500 तक आपको देखने को मिल जाएगा ये डिवाइस। बट यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस थोड़ा सा महंगा, इस वजह से कि यहाँ पर जो पैनल यूज़ किया है ना वो एमोलेड पैनल यूज़ किया है, इस वजह से महंगा है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो एमोलेड पैनल की वजह से तो डिवाइस वैसे भी महंगा होता है। 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है और यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल आपको प्रोवाइड किया गया है। अंडर डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सॉरी। तो 30V का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। क्वाड कैमरा है, 16MP का कैमरा पर इतना अच्छा फोकस नहीं है। और इस डिवाइस की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया 40,000 रुपया प्राइस है, 37,500 के बजट में ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइस भी अच्छा है 8GB रैम के हिसाब से। यहाँ पर अगर मैं चिपसेट की बात करूँ ना तो स्नैपड्रैगन 662 दिया गया है। स्नैपड्रैगन 662 जो चिपसेट है ना ये 48MP कैमरा से ऊपर को सपोर्ट नहीं करता। तो जैसा कि अगर आपने मेरी वीडियो गौर से देखी है ना तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था Realme 7i में जो है आपको 64MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, बट चिपसेट का मैंने आपको बताया था स्नैपड्रैगन 662। इसका मतलब है आप गौर से वीडियो नहीं देखते। सो गाइस यहाँ पर जो है ना मैं उसका भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पर 64MP का कैमरा कैसे दिया गया है। तो वो वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी दबाना, उस वीडियो का वेट करना, Realme 7i को थोड़ा सा एक्सपोज करना है हमने। सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैंने आपको बताया कि कौन से डिवाइसेज हैं जो 8GB रैम वाले, मैंने कोशिश की कि वो डिवाइसेज में इंक्लूड करूँ जो कि कम से कम बजट में आपको 8GB रैम प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप मेरी जो आज की वीडियो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।